Now we will discuss question number 6. Let ABC be a 3-digit number with non-zero digits such that A square plus B square equals to C square. A square plus B square equals to C square. What is the largest possible prime factor of ABC? मतलब अपन को जो ABC एक 3-digit number है जिसमें तीनों digit non-zero है. अगर 3-digit number है ABC तो इन सब में A, B और C की value 1 से लेके 9 तक होगी. क्योंकि जीरो उसने मना कर दिया है. अपन को ये निकालना है कि एबीसी जो भी नंबर आएगा उसका लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम फैक्टर क्या होगा. और एक अपन को कंडीशन गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. अब अपन को पता है कि सी की वैल्यू 1 से 9 तक पॉसिबल है और 1 से 9 तक एक ही नंबर अपने पास ऐसा है सी इक्वल टू 5, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. और कोई अपने पास वैल्यू पॉसिबल नहीं है. तो यहां से अपने पास पॉसिबिलिटी आती है कि ए या तो 3 हो सकता है, बी 4 हो सकता है जब सी 5 है. या एक और पॉसिबिलिटी आती है, ए अपने पास 4 हो सकता है, बी 3 हो सकता है और सी अपने पास हो सकता है 5. जैसे ही अपन ने देखा तो अपने पास एक तो नंबर आया 345 और एक दूसरा नंबर अपने पास आया 435. दो नंबर पॉसिबल है अपने पास 3-digit के जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर और तीनों नॉन जीरो डिजिट है. तो यहां से अपने पास पता चला कि 345 को मैं लिख सकता हूं 3 × 5 × 23. सिमिलरली 435 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो वो आएगा 3 × 5 × 29. तो अपन को तो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना था उस 3-digit नंबर का, वो यहां पे क्या पॉसिबल है 29. तो 29 इज अवर लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द 3-digit नंबर ए बी सी. दिस इज ओवर आंसर.